तो ईद की चांद रात पर हम निकल पड़े मार्केट, जो कि हमें बहुत सारा सामान लेना था। सबसे पहले हम चांदनी चौक होते हुए बल्ली मारन बाजार में घुसे। यहाँ से हमें चप्पल लेनी थी। अब इतने क्राउड के बीच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और यहाँ आते ही हमें यहाँ की लाइटिंग ने पागल कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही थी। सबसे पहले हम घुसे इस दुकान में, जो कि यहाँ बहुत तरह की वैरायटीज लगी थी, मगर ये भाई साहब बहुत ज्यादा ही बिजी थे। तो बस यहाँ से बाहर निकल के हम निकल पड़े आगे की ओर। फिलहाल हमने यहाँ से चप्पल खरीदी। अब एक दो चीजें और लेनी थी जो कि यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही थी। हमने कहा चलो ठीक है, दिल्ली के जाफराबाद निकलते हैं। और यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले हमें दिखी बनती हुई गर्म गर्म कचौड़ियाँ। और यहाँ की चकाचौंध भी सेम पुरानी दिल्ली जैसी हो चुकी है, खाना पीना हो या फिर शॉपिंग, मगर यहाँ कचौड़ियाँ बनते देख हमारे मुंह में पानी आने लग रहा था एंड भूख भी। तो हमने कहा ठीक है, पहले अपना सामान खरीदने के ऊपर फोकस करते हैं, बाद में खाना पीना देखेंगे। और यहाँ पर तो इतनी तरह की वैरायटीज थी कि हमारा दिमाग भी कंफ्यूज आ गया था। अब सिचुएशन ये थी कि लूटामारी का माहौल हो चुका था और क्राउड भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो हम इस क्राउड के बीच में से उलझते हुए आगे बढ़ते गए और जो जो चीजें लेनी थी वो लेते गए। फिलहाल हमने यहाँ कड़ाई का दूध पिया, गर्मी बहुत लग रही थी। एंड फाइनली द लास्ट मोमेंट ईद की तैयारी, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर ले।